हेलो गाइस, वेलकम। आज हम बात करेंगे असर्शन एंड रीज़न डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। जब भी आप कहीं किसी भी पेपर में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब आप असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस फेस करते हो, तो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं उनके रिगार्डिंग। जो चार इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एज उनके ऑप्शंस होते हैं। जैसे एमसीक्यूज में चार ऑप्शंस होते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन ही उनके चार ऑप्शंस होते हैं। तो मैं पहले आपको इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ एक बार, फिर उनके सॉल्व करने का तरीका भी कि असर्शन और रीजंस को आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट दी हुई है बोथ ई एंड आर, ई फिर असर्शन और बी सॉरी आर मीन्स रीजन, आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। सेकेंड दी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इज ट्रू बट आर फॉल्स और लास्ट ए फॉल्स बट आर ट्रू। देखो, हमें पहले असर्शन और रीजन दोनों को रीड आउट करना होगा और उसमें देखना होगा अगर वो दोनों ट्रू हैं, कि दोनों ट्रू हैं तो हमारे जो दो लास्ट के ऑप्शन हैं वो दोनों हमें उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले दो में चेक करेंगे कि फिर रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अगर है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, और नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा। अगर करेक्ट है एक्सप्लेनेशन तो ए आंसर होगा, अगर करेक्ट नहीं है तो बी उसका आंसर होगा, और अगर कोई भी फॉल्स है तो फिर हम नीचे दोनों नीचे वाले पे कंसंट्रेशन करेंगे, सी और डी पे। फिर हमें ए और बी को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अगर हमारा डी फॉल्स है, यानी कि जो रीज़न फॉल्स है, तो हमारा आंसर होगा सी, और अगर हमारा रीज़न करेक्ट है और असर्शन फॉल्स है तो हमारा आंसर होगा डी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। Assertion: reports are used to format, summarize and the compiled data in a presentable manner. बिल्कुल क्लियर। यानी कि जब भी हमारे रिपोर्ट, यानी जो रिपोर्ट हमें मिलती है, जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो टेस्टिंग लैब, जो आपके सैम्पल्स टेस्ट करते हैं मेडिकल में, तो वो क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी टेबल्स के अंदर बहुत सारी एंट्री होती हैं, लेकिन वो उनमें से क्या लेते हैं, जिनका हमने टेस्ट कराया और हमें प्रिंटेड फॉर्म में दे देते हैं। नेक्स्ट दिया रिपोर्ट डू नॉट अलाउ प्रिंटिंग डाटा ऑफ द डाटाबेस, यानी ये कह रहा है कि जो आपका डाटा है उसके अंदर हमें प्रिंटिंग फॉर्म में अलाउ नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। जब रिपोर्ट्स हम जनरेट करते हैं तभी तो हम प्रिंटिंग फॉर्म में मिलता है। तो क्या हो गया, सेकंड फॉल्स हो गया, यानी रीजन उसका फॉल्स हो गया और असर्शन इज ट्रू, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, टेबल कैन बी ज्वाइन बाय एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। यस, हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। A select query is used to make changes in the database stored in a database. नहीं, select query सिर्फ वहाँ से retrieve करने के लिए use होती है, यानी कि हमें से उसमें से कुछ data देखना है तो select query use होती है, लेकिन कोई changes के लिए use नहीं होती। तो assertion correct हो गया और reason is false, तो answer C. Next दिया MS Access 2010 is a product of MS Office 2010 शूट। यस, ये इसका प्रोडक्ट है, तो ये पहला असर्शन क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट दिया MS Access डू नॉट अलाउ डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड व्हेन द रिकॉर्ड इज रिलेटेड टू अदर डाटा एंड द रिसाइड ऑन वन साइड ऑफ अ वन टू वन रिलेशनशिप। नहीं, हम डिलीट कर सकते हैं। जब किसने क्या किया, डज नॉट डिलीट, वी कैन डिलीट इट, ये हमें अलाउ करता है। तो फोई असर्शन करेक्ट और रीजन इज फॉल्स, आंसर सी। नेक्स्ट दिया DBMS प्रिवेंट डाटाबेस फ्रॉम ऑथराइज एसेस अटैक। नहीं, DBMS क्या, उसने कहा कि जब ऑथराइज पर्सन है वो कोई अटैक को क्या कर सकता है, प्रिवेंट उसके। नहीं, जब उसने ऑथराइज्ड है, वो परमिशन है उसे एक्सेस करने की, तो कोई भी अटैक कर सकता है उस पर। तो डाटाबेस यानी DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट एबल टू प्रिवेंट अथराइज पर्सन एसेस अटैक। नेक्स्ट दिया DBMS स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज करेक्ट, तो आंसर क्या हो गया, डी। यस, नेक्स्ट, डाटाबेस कैन आइदर बी मैनिपुलेटेड यानी मेंटेन मैनुअली और यूजिंग द कंप्यूटर। ट्रू, डाटाबेस क्या मतलब, हम कोई रजिस्टर में भी किसी चीज को डाटा को मेंटेन कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी, तो पहला असर्शन इज करेक्ट। फ्लैट फाइल बेस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लैट मॉडल। यस, फ्लैट वाले जो को दूसरा ने क्या भी कह सकते हैं, फ्लैट मॉडल भी, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आंसर क्या होगा इसका, बी। फ्लैट में सिर्फ एक ही फाइल होती है, इसका एग्जाम्पल होता है एक्सेल, तो आंसर बी। नेक्स्ट असर्शन, TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज।
या इट इज द करेक्ट फुल फॉर्म, DCL स्टैंड फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. तो दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर इज बी. नेक्स्ट, अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस ऑब्जेक्ट. यानी क्या कहा उसने, DML. DML किसका यूज होता है, डाटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और मॉडिफाई करने में. दैट इज फॉल्स. वो किसका यूज होता है, DDL का. DML का नहीं, DDL का. तो सेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया. नेक्स्ट कहा उसने, अ डाटाबेस मॉडल डिफाइंस द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड द कंट्रोलिंग द डाटा. यस, इट इज ट्रू. तो क्या हो गया आंसर, डी. नेक्स्ट, MS Access 2010 इज अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यस, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट में कहते हैं RDBMS. इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी. नेक्स्ट है, द नेविगेशन पेन शोज द नेम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इन अ डाटाबेस. या जो लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन होता है, जहाँ पे डिटेल दी होती है सारी, कौन सा आपने डाटाबेस क्रिएट किया, कौन कौन सी टेबल है उसके अंदर, तो बोथ आर करेक्ट. तो ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, एसेस इनेबल यू टू ज्वाइन टू और मोर देन टेबल्स. अभी जो आया था, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हो, जिनमें से आपको डाटा लेना होता है. जैसे अगर स्कूल में बात करें, एक रिकॉर्ड होता है आपकी पर्सनल टेबल, जिसके बारे में आपकी डिटेल होती है, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम. दूसरी टेबल होती है जिसमें आपके स्कूल का रिकॉर्ड, यानी कि आपके मार्क्स का. और जब रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो उन दोनों को कलेक्ट करके बनता है. यानी दो या दो से ज़्यादा टेबल को आप ज्वाइन कर सकते हो. अ टेबल इज अ ग्रिड मेड अप, यानी ग्रिड्स का मतलब होता है जैसे टेबल्स की फॉर्म है, यानी कि रो और कॉलम्स की, मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो बोथ आर करेक्ट, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो इसलिए आंसर इज बी. नो टू फील्ड्स कैन हैव द सेम डाटा इन द टेबल. उसने कहा कि कोई भी दो फील्ड्स का सेम डाटा टेबल के अंदर नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है. मे बी आप अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में देख सकते हो, मे बी जैसे स्टूडेंट्स का नेम है, तो वही डाटा, मे बी नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, मे बी किसी फादर का नेम भी उस स्टूडेंट्स का नेम हो. क्लियर? तो नेक्स्ट दिया उसने, रिपोर्ट प्रेजेंट योर डाटा इन प्रिंटेड फॉर्म. यस, रीजन इज करेक्ट. जो आपकी रिपोर्ट होती है किसकी फॉर्म में होती है, प्रिंटेड फॉर्म में. तो आंसर इज डी. नेक्स्ट दिया, हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शन एज द पेरेंट चाइल्ड ट्री लाइक मैथ मॉडल. यस, हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HDBMS. इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है इनकी, जो आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. हायरार्किकल का मतलब, जैसे हम एग्जांपल कहा उसने पेरेंट चाइल्ड्स, लाइक फर्स्ट ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स और फिर चाइल्ड्स. क्लियर? तो इसी की फॉर्म में आपका हायरार्किकल डाटाबेस भी होता है. तो आंसर ये क्या हो गया, आपका सेशन इज ट्रू. नेक्स्ट कहा उसने, सर्चिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ अ डाटा इज वेरी डिफिकल्ट इन DBMS. दैट इज फॉल्स, क्योंकि इसके लिए क्या होते हैं, क्वेरीज विद इन अ सेकेंड्स आपको रिजल्ट दे देता है वो सर्च करके. तो ए इज करेक्ट और रीजन इज फॉल्स. तो आंसर इज सी. नेक्स्ट, फॉर्म्स इज अ क्वेश्चन पुट अप ऑन अ डाटाबेस टेबल टू व्यू अ डाटा फ्रॉम अ सिंगल और मल्टीपल टेबल्स एट द सेम टाइम. नहीं, फॉर्म्स क्वेश्चन पुटअप नहीं करता है. क्वेश्चन पुटअप कौन करता है, जो क्वेरीज होती है. क्लियर? फिर दिया उसने रीजन, फॉर्म्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एंटर अ रिकॉर्ड इन अ टेबल. यस, फॉर्म किस लिए यूज होता है, डायरेक्टली आप टेबल में रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हो. तो रीजन क्या हो गया, ट्रू, और असम्पशन फॉल्स. तो इसका आंसर हो गया डी. नेक्स्ट, फॉर्म्स कैन बी यूज इनपुट फॉर इनपुट डाटा. इससे प्रीवियस वाले में ही आपने यूज किया है. फॉर्म्स किस लिए यूज होता है, डाटा एंटर करने के लिए टेबल में. रिपोर्ट्स आर यूज टू आउटपुट द डाटा, यानी रिपोर्ट्स क्या देती हैं, आउटपुट प्रिंटेड फॉर्म में. तो दोनों क्या है, करेक्ट. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट दिया है असर्शन, रिपोर्ट्स आर यूज टू फॉर्मेट, समराइज एंड कंपाइल डाटा इन प्रेजेंटेबल मैनर्स. यस, ट्रू. जो रिपोर्ट्स होती हैं आपके, वो प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं. रिपोर्ट्स डू नॉट अलाउ प्रिंटिंग द डाटा ऑफ अ डाटाबेस. जब ऊपर ही कहा उसने कि वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होती हैं, और नीचे कहते हैं डाटा को हम प्रिंट नहीं कर सकते. तो नीचे वाला क्या हो गया, फॉल्स रीजन, और ऊपर वाला असर्शन इज ट्रू. तो आंसर इज सी. नेक्स्ट, फॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉर्म्स विजार्ड. यस, हम फॉर्म विजार्ड के थ्रू फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं. अ रिपोर्ट इज अ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट प्रेजेंट डाटा इन अ फॉर्मेटेड लेआउट. यस, कि क्या हम, जो हमारी रिपोर्ट्स होती है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट की फॉर्म्स में होती हैं. तो ये भी ट्रू है. असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो इसलिए इसका आंसर होगा बी.
ये थे आपके असर्शन एंड रीजन ऑफ डाटाबेस के।